अपनी मिसाइलों को और भी ज्यादा घातक बनाने के लिए भारत ने इस बार रात के अंधेरे में एक ऐसा परीक्षण किया है जिसने देश और दुनिया को हैरान कर दिया है। सबसे पहले तो भारत ने ओडिशा के समुद्री तट से कुछ दूर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप पर एक खतरनाक मिसाइल को तैनात किया। इसके बाद रात का इंतजार किया गया। पूरे इलाके में नोटम जारी कर दिया गया। नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन। आसान भाषा में इसका मतलब है कि भारत जिस इलाके में मिसाइल दागने वाला था उस इलाके में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया ताकि भारत की मिसाइल के रास्ते में कोई यात्री विमान या दूसरा विमान ना आ जाए। इन सभी तैयारियों के बाद भारत ने अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल का बटन दबा दिया। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का पहली बार प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च किया है। इसका मतलब यह है कि सेना को सौंपे जाने से पहले इस मिसाइल को पहली बार रात के अंधेरे में दागा गया है। नाइट लॉन्च से पहले अग्नि प्राइम मिसाइल का दिन के अलग अलग माहौल में 3 बार सफल परीक्षण किया जा चुका है। रात में दागी गई अग्नि प्राइम मिसाइल ने टारगेट को पूरी सटीकता से उड़ा दिया। इस मिसाइल की सटीकता को जांचने के लिए रडार इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम सहित 2 जहाजों को तैनात किया गया था ताकि मिसाइल के पूरे सफर के आंकड़े इकट्ठे किए जा सके। आपको जानकर खुशी होगी कि अग्नि प्राइम मिसाइल ने नाइट लॉन्च में 100% सफलता हासिल कर ली है। इस नाइट लॉन्च के दौरान DRDO के साइंटिस्ट और भारतीय सेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि सीरीज की ही न्यू जनरेशन मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन 11,000 किलोग्राम है। ये मिसाइल 2,000 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को उड़ा सकती है। अग्नि प्राइम मिसाइल एक साथ कई टारगेट्स को तबाह कर सकती है।